आखिर सिंगल एंट्री डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे किसी भी वाउचर में जब हम एंट्री पास करने जाते हैं तो अभी ये सिंगल एंट्री मोड है। अभी कौन सा वाउचर है? ये पेमेंट वाउचर है। पेमेंट वाउचर में सिंगल एंट्री, कैसे पता सिंगल एंट्री है? तो यहां पर टैली प्राइम में एक बड़ी अच्छी चीज दी गई है, कंट्रोल एच। अब देखो यहाँ नीचे दो लाइनें बनी हुई है, इसका मतलब है कि ये बटन कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, तो आप कंट्रोल के साथ एच प्रेस कीजिएगा तो ये विंडो ओपन हो जाती है। अब ये चेंज वाउचर मोड की विंडो है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? सिंगल एंट्री, और नीचे भी यहाँ सिंगल एंट्री लिखा हुआ है। अगर हम डबल एंट्री करते तो यहाँ डेबिट क्रेडिट आने लगता है, यही डबल एंट्री मोड होता है। अब ये किसी भी वाउचर में हो सकता है, अगर आप रिसिप्ट में जाते हैं तो रिसिप्ट में भी ये डबल एंट्री है। अब जब सिंगल एंट्री में जाएंगे तो वापस कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे सिंगल एंट्री कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये देखिए, ये सिंगल एंट्री है, इसमें भी आप सिंगल एंट्री मोड। अब देखिए ये आइटम इनवॉइस है, अब इसमें चूंकि ये सेल्स और परचेज में जो है सिंगल एंट्री और डबल एंट्री आपको नहीं दिखाई देगा, ये आसानी के लिए बना दिया गया यहाँ आइटम इनवॉइस। तो यहाँ पर देखिए तीन वाउचर इसमें भी आपको मिल जाते हैं, एक अकाउंटिंग इनवॉइस है, एक आइटम इनवॉइस है। तो क्या कोई अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री करना पसंद करेगा? हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में आप अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में एंट्री करना पसंद करेंगे, जबकि आपको ये दिया गया हो कि 50,000 रुपये का सामान इतने तारीख को खरीदा। अब उसमें सामान की डिटेल तो दी नहीं गई है कि यहाँ पे आप स्टॉक आइटम के खाते लगाएंगे, ठीक है, तो वैसी स्थिति में आप इसमें एंट्री पास कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर बात करें यहाँ पर एज वाउचर पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आप एंट्री ही पास करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर चीजें आइटम इनवॉइस मोड में आप कर लेते हैं और वो ज्यादा आसान होता है, तो इसमें तो एंट्री पास करना मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। तो ये होता है सिंगल एंट्री और ये होता है डबल एंट्री। आई बात समझ में?